14-in-1 Hydra की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। स्पेशली इसको हैंडल करना बड़ा इजी है। फर्स्ट इसका पावर केबल अटैच करने के बाद इसको यहाँ से आपने ऑन करना है। सक्शन इसकी LCD पे तमाम मशीन जो टूल्स हैं उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है। हाइड्रा विजन जो आपका यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे बायो और इसके अल्ट्रासाउंड आई अल्ट्रासाउंड स्क्रब माइक्रो डर्मा विजन तमाम टूल्स की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। फर्स्ट टूल जब आप अटैच करेंगे, फर्स्ट टूल हमारा अब्रिजन की सिलेक्शन जब आपने करनी है, ए वाइटनिंग सीरम अगर आपको चाहिए हाइड्रोनिक एसिड सीरम, बी सिलेक्ट करते हैं तो बी से आपका एक्नी स्किन सीरम और सी एंटी एजिंग स्किन सीरम आपका यूज़ होगा, डी वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट है अगर वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट करने के बाद अकॉर्डिंग टू स्किन आपने सीरम वाइटनिंग रिक्वायर्ड है तो ए, एक्नी स्किन है तो बी और एंटी एजिंग को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो सी। ए सी कंबाइन कर सकते हैं, बी सी कंबाइन कर सकते हैं, एट अ टाइम आपने तीनों सीरम्स को यूज़ नहीं करना। सेक्शन के दौरान स्किन के ऊपर रूज पड़ने के चांसेस होते हैं तो वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट मस्ट है। अगर आप ड्राई फॉर्म में चलाते हैं तो ये आपको पेन थोड़ा सा पील भी करता है और स्किन को रेड बूज डालने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। मिनिमम जो टाइमिंग है 5 से 7 मिनट की है वाटर थेरेपी की और 2 से 3 मिनट की सीरम्स की। नेक्स्ट टूल हमारा डर्मा पीलिंग माइक्रो डर्मा पीलिंग टूल। इसकी भी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू स्किन हमने रखनी है। स्टार्ट करते हैं और विदाउट एनी प्रोडक्ट्स आपने इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। मिनिमम टाइमिंग 3 से 4 मिनट की है। इतना पीलिंग के दौरान स्किन रेड होना नॉर्मल है और अकॉर्डिंग टू स्किन आप इसकी इंटेंसिटी भी और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बना सकते हैं। स्टॉप करेंगे। थर्ड टूल हमारा जो है ऑक्सीजन स्प्रे। ऑक्सीजन स्प्रे की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको स्टार्ट करेंगे हम और अकॉर्डिंग टू स्किन इसमें जो हमारे सीरम्स की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोनिक एसिड सीरम, वाइटनिंग अगर रिक्वायर्ड है तो ग्लूटाथायोन, एक्नी स्किन को ट्रीट कर रहे हैं तो टी ट्री और एंटी एजिंग स्किन पे विटामिन सी सीरम आप लेकर स्प्रेड कर सकते हैं। स्किन का पीएच लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन करता है और स्किन की रेडनेस को कम करेगा, साथ साथ ऑक्सीजन स्किन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और सीरम्स को डीपली पेनिट्रेट करता है। स्किन के अंदर रेडनेस पीलिंग से और आपकी सक्शन पावर से आ जाती है, उसको मेंटेन करेगा। मिनिमम जो इंटेंसिटी है टाइमिंग जो है वो 3 से 4 मिनट है ऑक्सीजन स्प्रे की। नेक्स्ट टूल बायो। इसकी भी इंटेंसिटी एनर्जी आपने बनानी है और बनाने के बाद आपने इसको स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू स्किन। आप इस पर सीरम्स एंटी एजिंग सीरम्स यूज़ कर सकते हैं और जितनी क्लाइंट इंटेंसिटी बर्दाश्त कर सकता है उतनी आपने इसकी एनर्जी रखनी है। मिनिमम टाइमिंग 5 से 7 मिनट की है फुल फेस पे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मूव करेंगे। नेक्स्ट टूल LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट। इसमें भी हमारी एनर्जी फुल हो। दोनों टूल्स को पुश करने के बाद ये LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट है। मिनिमम 5 से 10 मिनट्स आप अपने क्लाइंट के फेस पे स्प्रेड कर सकते हैं। फेस अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू स्किन इस पर एनर्जी रखनी है। यंग स्किन पे आप मिनिमम और एजिंग स्किन पे आप मैक्सिमम तक 10 तक लेके जा सकते हैं। लाइटली हीटिंग टेंगलिंग फीलिंग और वाइब्रेशन है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने फेस पे स्प्रेड करना है। स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टूल हमारा है आई अल्ट्रासाउंड। इस तरह से इसकी भी एनर्जी स्पेशली हमारी जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आई डार्क सर्कल्स को फोकस रखते हुए अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आई डार्क सर्कल क्रीम अगर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। अगर सिंपली आप कोई भी मसाज क्रीम के साथ इसकी पेनिट्रेशन करें तो डार्क सर्कल्स आई पफिनेस जो आपकी है लिफ्ट करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है आपके
और इसके जो लिफ्टिंग है, स्किन लूज हुई हुई होती है आई डार्क सर्कल्स वगैरह की साइड पे, तो बड़ा अच्छा लिफ्ट करता है। आई अल्ट्रासाउंड मिनिमम टाइमिंग 5 से 7 मिनट की है दोनों आईज पे। स्क्रबर स्किन को पील करता है बहुत अच्छा सा, स्किन की डेड लेयर आपकी डार्क स्पॉट्स लाइक वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को बहुत अच्छा फील करेगा। आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट इसकी इंटेंसिटी एनर्जी बना सकते हैं अप एंड डाउन। ड्राई स्किन पे इसको अप्लाई करने के बजाय अगर मॉइस्चराइज कर लें स्किन पे, कोई भी अच्छा सूदिंग लोशन अप्लाई कर लें ताकि आपकी स्किन पील अच्छे से हो, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स, स्किन की डेड लेयर को बहुत अच्छा क्लीन करता है। स्पेशली एक्नी प्रॉब्लम जहाँ पे आती है ईजीली आप इसको ट्रीट कर सकती हैं, अपनी एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। हीटिंग टूल है लाइट सी, इसमें वाइब्रेशन होती है, कैसे स्किन के साथ टच करेंगे इसको, बहुत अच्छे से इसको क्लीन करें। जब भी आपने जो टूल यूज़ करना है साथ साथ उसको नीट एंड क्लीन करना है। माइक्रोडर्मा नीडलिंग का जो हमारा प्रोसेस है डॉक्टर पेन के साथ वो भी इसमें अटैच है। स्टार्ट करेंगे, नीडलिंग प्रोसेस जहाँ पे ओपन पोर्स, एंटी एजिंग प्रॉब्लम आपको आती है एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए, तो इस यूनिट में आपको इस डॉक्टर पेन के साथ अपनी प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें भी अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेंसिटी मिनिमम जो हम स्टार्ट करते हैं 0.25 से और 0.5 से, जितना क्लाइंट बेयर करेगा नीडलिंग प्रोसेस उतना टाइम आप कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके प्रोडक्ट्स 7 सेपरेटली अवेलेबल हैं, स्टार्टर सीरम्स और इसमें बेसिस जो अवेलेबल हैं वो इसके साथ आपने ट्रीट करनी होती है। मिनिमम जो टाइमिंग है इसकी भी आप 5 से 7 मिनट और 7 से 10 मिनट तक ट्रीट कर सकते हैं अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर। बबल पेन हमारा टूल क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है स्किन के अंदर, जितने भी अपने प्रोसेस किए हैं क्लीन करने के लिए अपने सीरम्स को, डेड स्किन को। लाइटली बबल सीरम्स इसमें आता है जो आपके स्किन को ट्रीट करेगा क्लीन करने के लिए। और 2 से 3 मिनट का ट्रीटमेंट एनफ है। डी बॉटल के अंदर हम इसको ऐड करते हैं ताकि आपकी स्किन को जितने भी प्रोडक्ट्स या हमने टूल यूज़ किए हैं उनको क्लीन कर सकें। तमाम टूल्स की अपनी अपनी जगह है जहाँ पे आपने इनको एडजस्ट करना है, कोई भी टूल कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट नहीं होगा। लास्ट हमारा जो टूल है आइसिंग हेड कूल हैमर, जितना प्रोसेस किया है हमने अपनी स्किन को ट्रीट किया है, पील किया है, इसके सीरम्स RF हमने यूज़ किया है, अल्ट्रासाउंड यूज़ किया है, तो क्लीनिंग के दौरान पीलिंग के दौरान हमारी स्किन का pH लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, तो मेंटेन करने के लिए हमारा जो है कूल हैमर सबसे लास्ट में आप इसको यूज़ करेंगी। टैप टैप करते हुए हमने ट्रीट करना है इसको, और इसके साथ कोई भी सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना प्रोसेस खुद करेगा, पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करेगा, क्लीन करेगा, और जितना आपने वर्क किया है उनके स्किन का pH लेवल बहुत अच्छा मेंटेन करता है। ये सेपरेट टूल भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप लास्ट टूल हमारा हाइपोटेंसी, अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेंसिटी इसकी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ भी एक्नी प्रॉब्लम्स आती है एक्नी को बर्न करने के लिए आप हाइपोटेंसी टूल यूज़ कर सकती हैं। लाइट सी इसमें टैंगलिंग फीलिंग आती है, इससे पहले कोई भी आप प्रोडक्ट्स ड्राई फॉर्म में टेलकम या कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं। पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करेगा आपके एक्नी को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। जितना क्लाइंट बेयर करेगा अपनी इंटेंसिटी उतनी ही रखनी है। ये थी हमारी 14-in-1 की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।